झूठ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जे जाने जग जाई हराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदों बाल रूप सुई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम कथा रस के कृपासुमान भाव भक्तिमती देवियों, आइए कैलाश शिखर पर भगवान शंकर कथा प्रारंभ करने के पहले जिस ध्यान मुद्रा में विराजमान है और कथा प्रारंभ करते हुए वे जिन शब्दों में जिन पंक्तियों में भगवान श्री राम की वंदना करते हैं उसका रहस्य हृदयंगम करने की चेष्टा करें। कैलाश के सर्वोच्च शिखर पर वट वृक्ष की छाया में बागंबर बिछा करके भगवान शिव आसीन है। उस वृक्ष को देख करके उन्हें विशेष आनंद की अनुभूति हुई और जब भगवती पार्वती ने ऐसे विलक्षण वातावरण में भगवान के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की तो सबसे पहले भगवान शंकर नेत्र मूंद करके ध्यान में डूब गए। दो दंड तक वे ध्यान में डूबे रहे और इसके पश्चात उन्होंने प्रयास पूर्वक मन को बाहर निकाला और तब उन्होंने वंदना के शब्दों का श्री गणेश किया। उन्होंने कहा, जिस श्री राम को जाने बिना ये असत्य होते हुए भी मिथ्या होते हुए भी जो विश्व सत्य जैसा प्रतीत होता है और जिसे जान लेने पर वह इसी तरह से खो जाता है जैसे सर्प में रस्सी में दिखाई देने वाला सर्प प्रकाश के होते ही लुप्त हो जाता है, ऐसे जो श्री राम है जो मंगल के भवन है अमंगल के हारी हैं, वे दशरथ के आंगन में खेलने वाले दशरथ के प्रांगण में क्रीड़ा करने वाले श्री राम द्रवित हो, उनकी करुणा संसार के जीवों को प्राप्त हो, मुझे प्राप्त हो। तो जैसा कल आपके समक्ष संकेत दिया जा रहा था, ध्यान के दो पक्ष हैं, दो प्रसंग हैं। एक ध्यान है लंका में और एक ध्यान है कैलाश पर्वत पर। दोनों प्रसंगों में ध्यान के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया। लंका में जो जनक नंदिनी सीता ध्यान कर रही है उस ध्यान का वर्णन कपाट के रूप में किया गया और कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जब ध्यान करते हैं तो उस समय उनका वर्णन रस के रूप में किया गया, मगन ध्यान रस। तो ये जो ध्यान है कई इस ध्यान के दोनों ही पक्ष, एक दृष्टि से देखें तो ध्यान रस है और दूसरी दृष्टि से देखें तो ध्यान कपाट है। लंका में कपाट की आवश्यकता है और यहां कैलाश पर्वत पर रस की अपेक्षा है,
यही ध्यान के दोनों ही रूप। कपाट कहने का तात्पर्य क्या है? जब व्यक्ति घर बनाता है, मकान का निर्माण कराता है, और यदि उसमें बहुत विशाल भवन होते हुए भी किवाड़ न हो, कपाट न हो, तो घर सुरक्षित नहीं है। और यदि कपाट लगा हुआ है तो व्यक्ति उस कपाट के द्वारा उस घर में रहता ही नहीं, अपितु निश्चिंतता की अनुभूति करता है, क्योंकि आवश्यक होने पर वो भीतर से भी किवाड़ बंद कर लेता है, आवश्यक होने पर वो किवाड़ को बाहर से भी बंद कर सकता है। तो लंका में, लंका का जो वातावरण है, उस वातावरण में कपाट की आवश्यकता है। तो जहां इतने दुष्ट दुर्विचारी राक्षसों का राज्य हो, जहां सारा वातावरण प्रतिकूल हो, उस प्रतिकूल वातावरण में ध्यान की आवश्यकता कपाट के रूप में है, ऐसा संकेत हनुमान जी ने किया। श्री सीता जी के पास से लौट करके जब हनुमान जी आए, तो उस समय प्रभु ने हनुमान जी से ये पूछा कि हनुमान ये बताओ कि क्या सीता जीवित है। प्रश्न बड़ा अटपटा था। जनक नंदिनी सीता ने जब अयोध्या से भगवान श्री राम चलने लगे और श्री सीता जी को उन्होंने रुकने के लिए कहा, तो उस समय श्री सीता जी ने ये कहा कि मैं तो आपके साथ चलूंगी ही, अब ये हो सकता है कि यदि आप मुझे ले जाएंगे तो शरीर और प्राण दोनों आपके साथ जाएगा, और यदि आप नहीं कर देंगे तो शरीर भले ही अयोध्या में रह जाए तो प्राण तो आपके साथ जाएगा। कि तनु प्राण की केवल प्राण, या तो शरीर और प्राण दोनों, या केवल प्राण जाएगा। तो प्रभु ने जो प्रश्न किया, उस प्रश्न में मानो ध्वनि ये है कि लंका में जनक नंदिनी सीता 10 महीने से रह रही है, और 10 महीने से रहते हुए भी यदि श्री सीता जी जीवित हैं, तो उस जीवित रहने का आपकी क्या विधा, किस पद्धति से वे जीवित हैं, ये भगवान श्री राम के प्रश्न की और इस प्रश्न में ये संकेत ले। श्री हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा सार्थक है। इसका अभिप्राय यह है, मैं फिर कहूंगा कि आप बहुत एकाग्रता से सुनेंगे, कि एक ओर जब आप पूजा के कमरे में होते हैं या सत्संग में होते हैं, तो उस समय आपको अनुकूलता के वातावरण की अनुभूति होती है, पर जब आप निवृत्ति के स्थान पर, क्योंकि पूजा के कमरे में या कथा में या सत्संग में जब आप जाते हैं, तो आप सारे व्यवहार को छोड़ करके तब आते हैं, और व्यवहार को छोड़ करके जब आप रस लेने बैठते हैं, आप इस समय जिस स्थिति में हैं वो रस की स्थिति है। इसका अभिप्राय यह है कि आप अपने घरों का काम काज छोड़ करके, व्यवहार और प्रपंच को छोड़ करके यहां आए हुए हैं, और यहां आकर के आप कथा रस का पान कर रहे हैं। किंतु कथा रस का पान तो घंटे डेढ़ घंटे के लिए ही होगा, और उस कथा रस के पान के बाद जब आप यहां से निकल करके व्यवहार में जाएंगे, तो व्यवहार की प्रवृत्तियां तो यहां के वातावरण से बिल्कुल भिन्न होगी। तो ऐसी स्थिति में जब हम व्यवहार में जाए, प्रवृत्ति में जाए,
तब हम क्या करें। या तो व्यक्ति व्यवहार और प्रवृत्ति में जाए ही नहीं, ये जो देह त्यागी सन्यासी है या महात्मा है जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, तब उन्होंने मानो प्रपंच का परित्याग करके वो अंतर रस का पान कर रहे हैं। पर ये आवश्यक नहीं है कि जिन्होंने व्यवहार बाह्य व्यवहार का परित्याग कर दिया हो वो दिव्य रस का पान ही कर रहे हो। कभी कभी त्याग के बाद भी प्रपंच और प्रवृत्ति जीवन में ऐसी अधिकार कर लेती है कि व्यक्ति वहां पर भी सच्ची रसानुभूति प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रपंच में व्यवहार में तो आना ही पड़ेगा। तो एक पक्ष तो यह है कि भाई दोहरा जीवन जिए, हम कथा में सत्संग में मंदिर में जाकर के एक प्रकार का जीवन व्यतीत करें और हमारा आचरण व्यवहार में का उससे सर्वथा भिन्न। तो जब दो प्रकार का जीवन हम जीते हैं तो हमारे जीवन की विडंबना ये है कि जैसे हमारे दो पैरों में रस्सी बांध दी जाए और दो पैरों में रस्सी बांध करके अलग अलग दिशाओं में रस्सी के द्वारा खींचा जाए और व्यक्ति न तो आगे बढ़ सके और न तो पीछे की ओर लौट सके, इस प्रकार का अंतर्द्वंद अधिकांश लोगों के जीवन में बना रहता है। किंतु क्या उपाय है, किस पद्धति के द्वारा हम प्रवृत्ति में जाए और प्रवृत्ति में जाने के पश्चात भी काम प्रवृत्ति की बुराइयों से बच सके, ये प्रश्न व्यक्ति के सामने है। और उसके दो उत्तर आपको मिलेंगे, एक तो जनकपुर के प्रसंग में, दूसरे लंका के प्रसंग में। जनकपुर के प्रसंग में तो ये वर्णन आता है कि श्री सीता जी भगवान राम का सौंदर्य देखती हैं और उस सौंदर्य रस का पान करते हुए वो दिव्य आनंद में डूब जाती है। किंतु श्री सीता जी के जब सात जो सखियां हैं उन सखियों को याद आती है माँ ने पूजन करने के लिए भेजा था, माँ वहां प्रतीक्षा कर रही होंगी कि अभी तक सीता लौट करके क्यों नहीं आई। और ऐसी स्थिति में सखियों के सामने ये समस्या आई कि सीता जी को इस रस से दूर करके व्यवहार की ओर कैसे ले जाए। श्री राम के दर्शनों का आनंद जो मिल रहा है उस आनंद को छोड़ करके का घर में जाने के लिए कहना ये स्वयं बड़ा कठोर कार्य था। पर श्री सीता जी की सखियां बड़ी चतुर है, उन्होंने सीधे घर की याद नहीं दिलाया, उन्होंने ये नहीं कहा कि अब यहां से चलिए घर की ओर चले। उन्होंने एक बड़ी मीठी भाषा का प्रयोग किया। एक सखी ने सीता जी से कहा पुनि आऊब यही बिरिया ताली, सीते कल हम लोग फिर इसी समय यहां आवेंगे। मानो कल के भरोसे, कल का आश्वासन दे करके कल पुनः दर्शन होगा, कल पुनः ये पुष्प लेने के लिए आवेंगे। इसलिए कहना ये सीधे ये ना कह करके कि घर चलिए, ये कह दिया कल आवेंगे। जाने के स्थान पर आने की बात कहने में सखियों की भावुकता का परिचय मिलता है। सीता जी ने जब शब्द सुना तो अब स्वाभाविक रूप से व्यवहार और मर्यादा की बात सामने आई, और व्यवहार और मर्यादा के सामने आई तो श्री सीता जी को सखियों के साथ जाना पड़ रहा। और तब श्री सीता जी ने एक कला हमें बताई कि अगर ऐसी परिस्थिति में जीवन में आवे तो हमें कैसे जाना चाहिए। तो वहां पर गोस्वामी जी ने कहा कि श्री सीता जी जा तो रही हैं घर की ओर, पर घर की ओर जाते हुए भी लौट लौट करके पीछे की ओर देख रही, और पीछे जब देखती हैं तो सखियों का अभिप्राय यह है कि यदि आगे चलना हो तो दृष्टि आगे की ओर रहना चाहिए, पर चले घर की ओर और दृष्टि पीछे की ओर रहे तो उसका सांकेतिक अभिप्राय
ये जो शरीर है ये है कर्मेंद्रिय और नेत्र जो है वह है ज्ञानेन्द्रिय। और उसका अभिप्राय यह है कि भले ही हमें संसार की ओर जाना पड़े, घर की ओर जाना पड़े, पर हमारी दृष्टि जो है वो सर्वदा ईश्वर में ही जुड़ी रहे, हम ईश्वर की ओर ही देखते रहे। अगर इस कला को हम समझ लें कि हमारी दृष्टि संसार में उलझ न जाए, हमारी दृष्टि तो ईश्वर से जुड़ी रहे और ईश्वर से जुड़ी दृष्टि लेकर के हम कर्मेंद्रिय के रूप में अपना पैर घर की ओर लेकर के चले, ये दोनों का सामंजस्य है दोनों। और इसी को कहते हैं कि जब श्री सीता जी पीछे की ओर देखती है तो चरण जा रहा है आगे की ओर, पर भगवान राम के सामने वे सन्मुख है, उनकी दृष्टि सन्मुख है। पर सखियां जब पूछती हैं कि आप क्या देख रही हैं, तो श्री सीता जी ने बड़ी मीठी बात कही, उस वाटिका में पक्षी हैं, मृग हैं, वृक्ष हैं। और श्री सीता जी सखियों से कहती हैं, लौट करके तुम भी तो देखो, क्या देखन मिस मृग बिहन तन फिरई बहोरी बहोरी। पक्षी मृग और वृक्षों के बहाने से वे श्री राम को देख रहे, और जब श्री राम का चरण देखना होता है तो सखियों से कहती है, देखो देखो इस मृग का चरण कितना सुंदर है। कल जिस समय उनके शरीर की ओर देखना होता है कहती है, देखो ये वृक्ष कितना सुंदर है। और जब उनकी आंखों की ओर या मुख की ओर देखना होता है तो कहती है, ये पक्षी कितना सुंदर है। और उसका अभिप्राय क्या हुआ कि भाई संसार में भी, पशु में भी, पक्षी में भी, मृग में भी, उनको उनके पास वो दृष्टि है कि वे भगवान के सौंदर्य को उन वस्तुओं में भी देख लेती है या उनके बहाने भगवान को देखती है। और इस तरह से श्री सीता जी ने एक सामंजस्य हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, एक कला बताई कि अगर हमें निश्चित रूप से पुष्प वाटिका से निकल करके, पूजा और कथा और सत्संग से निकल करके कर्म की दिशा में जाना है, पर हमें दृष्टि भगवान की ओर ही रखनी। किंतु ये तो जनकपुर का वातावरण है, जहां घर जो है वो तो घर भी बड़ा ही बड़े ही पवित्र वातावरण में, जहां मां सुनैना जो है उनका अंतःकरण परम पवित्र है, उदार है, बड़ी धार्मिक है, तो जनकपुर में लौट करके जाने में भी समस्या नहीं है, क्योंकि वहां पर सारा वातावरण अनुकूल है। किंतु लंका का वातावरण जो है, जनकपुर तो विदेह नगर है पर लंका तो देह नगर है, और लंका है कि देह नगर है, तो जहां पर देह नगर में व्यक्ति जाए वहां तो काम क्रोध लोभ अहंकार नाना प्रकार के दुर्गुण दुर्विचार सारे व्यवहार की समस्या का वहां पर व्यक्ति के सामने दिखाई है, व्यक्ति के सामने। और ऐसे प्रतिकूल वातावरण में लंका में रावण श्री सीता जी को ले आया हुआ है, और श्री सीता जी को उसने अशोक वृक्ष के नीचे बैठा दिया। ऐसे प्रतिकूल वातावरण में श्री सीता जी अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है, भगवान श्री राम ने हनुमान जी से ये प्रश्न किया, और उस समय हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वो उत्तर बड़े महत्व का है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु को जैसे हम अपने घर में किवाड़ और ताला बंद कर ले तो हम सुरक्षित हैं, इसी प्रकार से लंका में भी इस समय पहरेदार भी है, सीता जी के पास पहरेदार भी है, सीता जी के पास सीता जी ने किवाड़ भी बंद रखा है, सीता जी ने ताले भी लगा रखे हैं, और इन्हीं तीनों के बीच में श्री सीता जी के प्राण जो है वो सुरक्षित। आप लोगों में जो रामायण पढ़ते होंगे, आप उस दोहे को आपने पढ़ा होगा जिसमें हनुमान जी कहते हैं, नाम पाहरु प्रभु, लंका में श्री सीता जी भले ही बैठी हुई पर वहां पर पहरा पड़ रहा, और पहरा कहे क्या है, बोले ये रा और म जो दो अक्षर है, जैसे दो पहरेदार रख लिए जाए सुरक्षा के लिए, इसी प्रकार से
करोड़ों निरंतर लंका में रहते हुए आपके नाम का जप कर रहे हैं। और ये एक सूत्र मिला, और वो सूत्र ये है कि भाई हम व्यवहार में भले ही प्रतिकूल वातावरण में हो, लेकिन हम अपने जिह्वा से अपने मन में भगवान का नाम लेने के लिए तो स्वतंत्र है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि जब प्रतिकूल वातावरण हो तो ये राम शब्द जो है, चाहे जीभ से बोल करके और चाहे मन ही मन उच्चारण करे, अगर ये राम नाम व्यक्ति निरंतर लेता रहे तो मानो उसने अपने लिए पहरेदार पा लिए। हनुमान जी ने बड़ी मीठी बात भी कही, प्रभु ने पूछा सीता जी के प्राण कैसे, तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अगर किसी के घर में पहरेदार हो और पहरेदार होते हुए चोरी हो जाए तो सबसे पहले दंड किसको मिलेगा, पहरेदार को, उसी को छुट्टी दी जाएगी। तुम्हारे रहने से लाभ क्या है जब तुम हो और चोरी हो गई। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु सीता जी तो आपके नाम को पहरेदार बना चुकी, और नाम के पहरेदार के रहते हुए भी अगर प्राणों की चोरी हो जाएगी तो आपके नाम की महिमा एक समाप्त होगी। आपके नाम को ही हटाया जाएगा कि जो नाम श्री सीता जी की रक्षा नहीं कर पाया वो हमारी रक्षा क्या कर पाएगा। ऐसी स्थिति में श्री सीता जी ने नाम का पहरेदार, राम नाम का पहरेदार जो है वो बना लिया है, और वो निरंतर आपके नाम का आश्रय ले रही है। और उसका अभिप्राय है प्रतिकूल वातावरण में हम भगवान के नाम का जब राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे, नाही तो भव बिगार में पड़ी हो, छूटत अति कठिनाई रे। तुलसीदास जी ने तो ये कहा कि कैसी भी परिस्थिति जीवन में आवे राम नाम को हर रूप में लेना चाहिए। उन्होंने राम नाम के लिए तीन शब्द विनय पत्रिका में लिखे, राम राम रटु, राम राम जप, राम राम रमु जिया। अरे जिह्वा, तू राम नाम का जप कर, तू राम नाम को रट, तू राम नाम से क्रीड़ा कर, राम नाम में खेल। ये तीन शब्द कहने का अभिप्राय क्या, अगर मन जो है शांत है तो राम नाम का जप कीजिए, और मन दुखी है तो राम नाम रटिए, और मन में खूब मस्ती है तो राम नाम से खेलिए। उसका अभिप्राय कि जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें हर परिस्थिति में भगवान के नाम का जप अवश्य करना है, भगवान के नाम का आश्रय अवश्य लेना है। और इसीलिए सीता जी लंका में उस प्रतिकूल वातावरण में राम का ही नाम लेती, और जब राम का नाम लेती है तो आप देखते हैं अंत में उस नाम की हनुमान जी आते हैं, और हनुमान जी ने वहां पर संकेत है, सीता जी को रावण ने बैठा दिया है अशोक वृक्ष के नीचे। आपको आप नित्य सुनते हैं, आपको ध्यान में, आपके ध्यान में बात होगी, कैलाश पर्वत पर बट का वृक्ष है, पर लंका में बट का वृक्ष नहीं, अशोक वाटिका में बट का वृक्ष नहीं। और उसका अभिप्राय क्या, बट विश्वास है, बट प्रेम है, बट भगवान का प्रतीक है। और उसका अभिप्राय है कि लंका में न विश्वास है, न लंका में प्रेम है, न लंका में पवित्र वातावरण है। लंका में जिस वृक्ष के नीचे सीता जी को बैठाया गया है, ये संशय का वृक्ष है, और संशय के वृक्ष के नीचे ही रावण ने सीता जी को बैठा दिया। और अंत में आपने देखा कि राम नाम का जो जप किया सीता जी ने, तो अंत में राम नाम का जिसमें सीता जी व्याकुल होती है, उसमें हनुमान जी राम नाम की मुदरी लेकर के आते हैं, और अशोक वृक्ष पर बैठ करके जब उन्होंने राम नाम की मुदरी को नीचे गिराया, और उस मुदरी को श्री सीता जी ने बीच में पकड़ लिया, वहां पर गोस्वामी जी ने लिखा जिस समय हनुमान जी बैठे हुए थे अशोक वृक्ष पर, सीता जी उस समय अशोक से कहने लगी, अशोक सत्य नाम कर हर मम शोका, अशोक वृक्ष तुम्हारा नाम अशोक है, तुम मेरा शोक दूर करो। हनुमान जी के कान में ये शब्द गया, और हनुमान जी ने जो मुदरी ले आए थे उस मुदरी को ऊपर से नीचे डाल दिया। बड़ी विचित्र बात,
मुदरी ऊपर से नीचे डालने की वस्तु नहीं है। हनुमान जी लेकर के आए हैं तो ऊपर से नीचे उतर करके उन्हें हाथों में देना चाहिए, लेकिन हाथों में देने के स्थान पर हनुमान जी ऊपर से नीचे डालते हैं। डालने का अभिप्राय क्या? ये मानो सीता जी के लिए उदाहरण था। आप राम नाम का जप कर रही थी और जप छोड़ करके आपको क्या राम नाम की महिमा पर अविश्वास हो गया? जो आप इस अशोक के नाम का जप करने के लिए आप अशोक के नाम को सत्य कह रही हैं और आप ही अगर राम नाम छोड़ देंगी तो मुझ जैसे बंदर क्या राम नाम को लिए रहेंगी क्या? लीजिए मैं भी अब डाले देता हूं, जब आपने छोड़ दिया है तो मैं भी छोड़ देता हूं। पर बढ़िया बात हुई, मुदरी को नीचे गिरते देख करके श्री सीता जी उठ करके खड़ी हुई और उन्होंने मुट्ठी में पकड़ लिया। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। पर मैं तो ये समझ रहा था कि नाम की महिमा गिरने वाली है, पर आपने फिर से संभाल लिया है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि नाम की महिमा संसार में बनी रहेगी। इस तरह से श्री सीता जी ने लंका में वे राम नाम का जप कर रही है। ये राम नाम जो है यही परम रक्षक है, यह है पहरेदार। और इसके साथ साथ चारों ओर राक्षसियों से सीता जी घिरी हुई है। अगर दृष्टि खोल करके देखें तो दृष्टि खोल करके देखने पर तो विकट मुख वाली जो राक्षसियां हैं यही दुर्वृत्तियां हैं। नाना प्रकार की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं वही राक्षसियों के समान सीता जी को घेरे हुए हैं। सीता जी उसे घिरी भी बैठी हैं और तब सीता जी ने किवाड़ बंद कर लिया। और वो किवाड़ क्या बंद कर लिया? कवि नाम पाहरु दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट। कौनो नेत्र मूंद करके भगवान के रूप का ध्यान कर रही है, भगवान के नाम का जप कर रही है, भगवान के चरणों का चिंतन कर रही है। और हनुमान जी प्रभु से पूछते हैं कि जहां पर ऐसा वातावरण हो, नाम पाहरु दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित तो प्राण जाहि के बाट। प्रभु जहां पर ऐसा वातावरण है न तो किवाड़ हो गया तो दोनों लाभ हो गया, किवाड़ बंद कर लीजिए तो बाहर से कोई व्यक्ति बिना आपकी आज्ञा के भीतर नहीं आ सकता, और किवाड़ यदि बंद है तो भीतर वाला बाहर नहीं जा सकता। तो ध्यान का किवाड़ बंद करने का अर्थ क्या है? ध्यान में है भगवान हृदय में, और बाहर मान लीजिए दुर्गुण दुर्विचार है, तो किवाड़ बंद करने की अगर कला आ जाए, ध्यान की अगर कला आ जाए तो बाहर के दुर्गुण भीतर न बैठने पावे और भीतर से निकल करके भगवान बाहर न जाने पावे। बस यही ध्यान का उद्देश्य है। और यही प्रतिकूल वातावरण में हम भगवान को अनुभव करें कि बाहर चाहे जैसा भी वातावरण क्यों न हो, चाहे जितनी प्रतिकूलता क्यों न हो, किंतु हमारे अंतर हृदय में तो प्रभु विद्यमान है, हमारा भगवान का नाम हमारे साथ विद्यमान है। अगर ऐसी परिस्थिति में नाम जप करते हुए व्यक्ति ध्यान करे तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी व्यक्ति की रक्षा हो सकती है। एक ध्यान का संकेत लंका में। पर इस प्रसंग में जो ध्यान का प्रसंग है, यहां तो बाहर और भीतर दोनों ही वातावरण में एक रूपता, और भगवान शंकर जैसा कि जो प्रसंग आपके सामने चल रहा था, भगवान शंकर जब दृष्टि मूंदते हैं तो भगवान का रूप दिखाई देता है, भगवान का शील और गुण दिखाई देता है, और भगवान शंकर जब नेत्र खोल करके देखते हैं तो नेत्र खोल करके देखने पर भी शीतल वट वृक्ष की छाया सिर के ऊपर है, और वट वृक्ष की छाया में बैठे हुए शंकर जी जब ठंडी ठंडी हवा धीरे धीरे बहती है, सुगंधित हवा बहती है, तो शंकर जी को भगवान के गुणों की याद आती है। ध्यान करने का अर्थ है बस इसका अभिप्राय हुआ कि आप जिसका निरंतर ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, अंतःकरण की स्थिति जो है का उसी प्रकार की बन जाएगी। का एक तो यह है कि ऐसे कहा जाए कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और दूसरा यह है
ये नेत्र मूंद करके नित्य जो है भगवान के रूप का, भगवान के शील का, भगवान के गुणों का, भगवान के चरित्र का हम ध्यान करें। तो ध्यान करेंगे तो उस अगर ध्यान का ध्यान तो तभी होगा जब मन एकाग्र होगा, और मन को पूरी तरह से भगवान के रूप शील गुण में यदि लगा देंगे तो भगवान का जो रूप है, भगवान का जो शील है, जो स्वभाव और वो गुण है, वो हमारे आपके जीवन में आवेगा। वो आपने सुना ही होगा, रावण में ध्यान करने की बड़ी शक्ति थी, पर रावण के एकाग्रता, ध्यान के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। तो रावण के पास अभ्यास के द्वारा एकाग्रता, तो अभ्यास के द्वारा आती है। अगर आप दीवार में एक काला बिंदु बना लीजिए और काला बिंदु बना करके उसी की ओर दृष्टि लगावे या उसी की ओर मन लगाने की चेष्टा करें तो आपका मन एकाग्र हो जाए। कई लोग इस प्रकार से मन को एकाग्र करने की चेष्टा करते हैं, पर मन की एकाग्रता का ही महत्व नहीं। ध्यान में का एकाग्रता तो ऐसे व्यक्तियों को भी प्राप्त हो जाती है जो एकाग्रता से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। पर एकाग्रता के साथ हमारी एकाग्रता का सदुपयोग कैसे हो, महत्वपूर्ण बात यह। तो रावण तो एकाग्रता का दुरुपयोग करता है। रावण के चरित्र में वर्णन आता है कि रावण जो है चाहे जिस समय जो रूप बना लिया करता, चाहे जिस समय जो वेश बना लेता है। तो वेश कैसे बनाता है रावण, वो जादूगर ही नहीं है। इसका अभिप्राय है कि रावण नेत्र मूंद करके एकाग्रता के द्वारा जो रूप बनाना चाहता है उसी रूप का चिंतन करता है, और उसमें एकाग्रता की इतनी शक्ति है कि थोड़े देर चिंतन करते ही वो जो है उस रूप को अपने बाहर के शरीर में भी वो प्रकट कर देता है। रावण के पास ये कला। पर एक दीवार में काला बिंदु बना करके आप ध्यान करें वो एक और बात, और दूसरा जब ये कहा जाता है कि भगवान का ध्यान कीजिए तो बिंदु का ध्यान करने में और भगवान का ध्यान करने में क्या अंतर है। वो वर्णन आया जब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया तो कुंभकर्ण को जगाने के पश्चात कुंभकर्ण ने पहले तो रावण को फटकार दिया। यद्यपि रावण के फटकारने के प्रसंग से कई लोगों को भ्रम हो जाता है, अभी कुंभकर्ण ने रावण को फटकार दिया तो इस बात से एक सज्जन इतने प्रभावित हुए, टीवी सीरियल में जो रामायण का प्रसंग चल रहा था बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है, लेकिन कुंभकर्ण रावण का संवाद एक दिन सुन करके एक सज्जन मिले तो वो बड़े ही प्रभावित, और उन्होंने कहा कि इतने दिनों के बाद मैं पहली बार समझ पाया हूं कि कुंभकर्ण कितना महान था। मैंने कहा कुंभकर्ण महान रहा होगा, पर कहीं इतना उसको महान न मान लीजिएगा कि राम को छोड़ के कुंभकर्ण की भक्ति करने लगे, जरा ये सावधान रहिएगा। मैंने पूछा कुंभकर्ण आपको क्यों महान लगता है इतना, यही कहा उन्होंने कि देखिए रावण को जो जिस भाषा में कुंभकर्ण ने समझाया वो उसकी महानता का परिचय। मैंने कहा कि वो तो तुलसीदास जी ने भी लिखा कि रावण ने कुंभकर्ण, रावण को कुंभकर्ण ने समझाया, फटकारा भी, पर आपने ध्यान दिया क्या? दो बातें गोस्वामी जी ने लिखी और वो समझने की है क्या? तो कुंभकर्ण ने, विभीषण ने रावण को थोड़ा सा समझाने की चेष्टा किया और रावण ने लात मार के निकाल दिया, और कुंभकर्ण ने रावण को इतना फटकारा, पर रावण उसे सुन करके भी बिल्कुल शांत स्वभाव से सुनता रहा। ये विभीषण और रावण के प्रति, विभीषण और कुंभकर्ण के प्रति जो रावण के मन में भेद है वो क्यों? बस वो विभीषण के चरित्र को जानता है कि जो कह रहे हैं वही करेंगे, और कुंभकर्ण के विषय में उसको विश्वास है कि कहे चाहे जो कुछ पर करेगा वही जो मैं करूंगा। याद रखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो बात बहुत बढ़िया कहते हैं, पर बहुत बढ़िया कहने के बाद भी का स्वयं जब जीवन में अवसर आता है तो करते वही है जो रावण कहता है। तो बढ़िया बात कोई कहे
और करे वो कि जो रावण करे, रावण कहे, तो ये तो जीवन की विडंबना है, ये कोई महानता का लक्षण नहीं। और दूसरी बात तुलसीदास जी ने और बड़ी मीठी बात कही, और उस प्रसंग में तो दूसरे संदर्भ में बात चल रही थी, कुंभकर्ण ने रावण से ये कहा कि तुमने बहुत बुरा किया, सीता जी का हरण किया, लेकिन सीता जी का हरण करने के बाद भी यदि तुम इतनी भूल कर चुके थे तो एक भूल और कर लेते क्या, कि तुम तो वेश बनाने की कला में बड़े निपुण हो, तो तुम ध्यान ऐसा एकाग्र अपने मन को करके राम का रूप बना लेते, और राम का रूप बना करके तुम सीता जी को ठग लेते, सीता जी तुम्हें देख करके राम समझ लेती, उन्हें भ्रम हो जाता। तो रावण ने ये कहा कुंभकर्ण से कि क्या तुम समझते हो कि मेरे मस्तिष्क में ये बात नहीं आई, मेरे मस्तिष्क में ये बात आई और मैंने सोचा कि मैं राम का रूप बनाऊं, पर जब एकांत में राम का रूप बनाने के लिए मैं राम का ध्यान करने के लिए बैठा तो मेरा हृदय इतना शुद्ध होने लगा कि मैं घबरा गया कि अगर कहीं थोड़े देर ध्यान किया तो गया संसार से, काम काज से छोड़ो ये चक्कर, और तुरंत मैंने ध्यान करना बंद कर दिया। आनीता भवता यदा पतिरता साध्वी धरित्री सुदा स्फूर्जद राक्षस माया नच कथम रामांग मंगी कृतम। रावण ने स्वीकार किया, कर्तुश्चेतस राम रूप ममलम दुर्वा दल श्यामलम तुच्छम ब्रह्म पदम परम पर वधु संग प्रसंग कुतो। जिस समय मैंने राम के रूप का चिंतन किया, मेरा मन परम पवित्र होने लगा, सारे विकारों से शून्य होने लगा, फिर मेरे मन में धोखा देने की प्रवृत्ति कैसे आती, मैंने तुरंत ध्यान करना छोड़ दिया। और अभिप्राय क्या कि भगवान के ध्यान का अर्थ हुआ कि आप बिंदु पर ध्यान करेंगे तो एकाग्रता भले ही आ जाए, पर एकाग्रता का उपयोग आप अच्छा करेंगे कि बुरा करेंगे इसे कौन जानता, लेकिन जब आप और हम अपने मन को शंकर जी की तरह भगवान राम के रूप में लगाने की चेष्टा करेंगे, भगवान के गुणों में लगाने की चेष्टा करेंगे, गुण का ध्यान करेंगे, तो संकेत कल किया जा रहा था कथा में कि जब शंकर जी जब देखते हैं वायु की शीतलता का अनुभव होता है तो उन्हें श्री राम की करुणा की याद आती है, जैसे वायु जो है अपनी शीतलता के द्वारा संतप्त व्यक्तियों को भी शीतलता दे देती है, ठीक इसी प्रकार से प्रभु की जो करुणा है वो संतप्त व्यक्तियों को शीतल बनाती है, संतप्त प्राणियों के जीवन की ज्वाला को शांत करती है। भगवान श्री राम कितने करुणामय हैं, जब ये चिंतन होगा तो परिणाम क्या होगा, भाई भगवान के करुणा का चिंतन करें कि प्रभु कितने कृपालु हैं, कि प्रभु कितने उदार हैं, कितने दयालु हैं, तो हमारे अंतःकरण में भी तो करुणा का संचार होना चाहिए और होगा। अगर सहजूल कोई करुणा का चिंतन करे तो यह नहीं हो सकता है कि उसके अंतर मन में स्वयं करुणा की वृत्ति का उदय न हो, इसलिए ये आप देखेंगे, यही संकेत आपको मिलेगा, ये भगवान राम के शीतलता की अनुभूति करुणा से होती है। परशुराम जी ने भगवान राम के तीनों की प्रशंसा की और तीनों की प्रशंसा का अभिप्राय किया। परशुराम जी और श्री राम का जो प्रसंग है उस प्रसंग में भगवान परशुराम जी जब जाने लगते हैं, जो जाते हुए परशुराम जी कितने प्रभावित हुए, संकेत किया कि आप जब परशुराम जी आए उस समय उनकी स्थिति पर विचार कीजिए और जब परशुराम जी लौटे तब उनकी स्थिति पर विचार कीजिए और दोनों में आपको कितना अंतर दिखाई दे। ये परशुराम का प्रसंग जो है रामायण के बहुत ही गंभीर प्रसंगों में है, यद्यपि साधारणतया लोग उसको उस रूप में नहीं देख पाते। वैसे जनता में ये जो रामलीला में कई प्रसंग जो बड़े लोकप्रिय हैं, उन कई लोकप्रिय प्रसंगों में से एक प्रसंग जो है वो लक्ष्मण परशुराम का संवाद भी है। बहुधा लक्ष्मण परशुराम के संवाद के दिन बड़ी भीड़ हुआ करती है। इस भीड़ के पीछे
भीड़ की बात, भीड़ का कोई बहुत महत्व नहीं है, याद रखिएगा। अभी कुछ वर्ष महीने पहले दिल्ली में कथा हो रही थी, किसी ने मुझसे कहा आज तो बहुत बड़ी भीड़ थी। मैंने कहा भीड़ बढ़ रही है कि श्रोता बढ़ रहे हैं? भीड़ बढ़ना और बात है और श्रोता बढ़ना और बात। भीड़ की वृत्ति अलग होती है और श्रोता की वृत्ति अलग होती है। मुझे ध्यान में स्मरण आ गया वृंदावन का संस्मरण। वृंदावन में आश्रम में लीला रामलीला हो रही थी और रामलीला में लक्ष्मण परशुराम का संवाद था और अपार भीड़ हो रही थी। जब देख करके लौटने लगे उस समय ब्रह्मेन्द्र स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज थे, उन्होंने मुझसे कहा कि देखो आज की भीड़ देख करके कितनी निराशा हो रही। पूछा भीड़ को देख के निराशा क्यों हो रही है, तो उन्होंने यही कहा कि कल भी रामलीला थी, कल उतनी भीड़ नहीं थी, कल भी शायद उतनी भीड़ नहीं होगी, आज की लीला में भीड़ होने का अर्थ है कि लीला में भी लोग तूतू मैं सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए लोगों की मनोवृत्ति देख करके थोड़ा निराशा होती। और बात यही है, इतनी भीड़ जो लक्ष्मण परशुराम के संवाद में होती है उसमें अधिकांश लोग जो है वो तूतू मैं का ही आनंद लेते हैं, क्या लक्ष्मण परशुराम जी ने कहा और लक्ष्मण जी ने क्या ईंट का जवाब पत्थर से दिया और कैसी तूतू में हुई, कैसे परशुराम हार गए। परशुराम जी में न स्वार्थ है, न लोभ है, न कोई कामना है, पर इतना होते हुए भी परशुराम जी के प्रति हमारे मन में उस आकर्षण की अनुभूति नहीं होती है जो श्री राम के चरित्र, श्री राम के गुण और शील को देख करके होती है। उसका अभिप्राय क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, देखिए का एक और रावण है जो राक्षस है, अंधकार का प्रतीक है, और दूसरी ओर परशुराम जी है जो प्रकाश के रूप है। प्रकाश के रूप श्री राम भी है और प्रकाश के रूप परशुराम भी। तुलसीदास जी ने दोनों के लिए सूर्य की उपमा दिया। परशुराम जी के लिए, श्री राम के लिए उन्होंने लिखा, उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्ष लोचन भृंग। बाल सूर्य के रूप में श्री राम का जनक की सभा में उदय हुआ। और जब परशुराम जी आए तो भी तुलसीदास जी ने लिखा, तेही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भूकुल कमल पतंगा। तक सूर्य के समान जो परशुराम जी है वो जनक की सभा में आए, बहुत बढ़िया बात। प्रकाश और अंधकार में कौन प्रिय, इसका अभिप्राय प्रकाश की अपेक्षा, अंधकार की अपेक्षा प्रकाश श्रेष्ठ है। अंधकार में भय है, अंधकार में अनेक समस्याएं हैं, अंधकार जो है वो पाप का प्रतीक है और प्रकाश जो है वो पुण्य और सद्गुण का प्रतीक है। तो याद रखिए अंधकार ही दुखदायी नहीं होता। पर अगर पूछा जाए कि दोनों रावणों में क्या अंतर, तो यही कह सकते हैं कि भाई सूर्य का सबसे अधिक प्रचंड प्रकाश कब होता है, ये ज्येष्ठ मास की जो दोपहरी होती है उसी समय सूर्य का प्रकाश सबसे प्रबल रूप में आकाश में दिखाई देता है। और अंतर क्या है, श्री राम कौन है, वो कार्तिक मास के प्रातःकालीन सूर्य है। और उसका अभिप्राय है कि रात्रि के बाद शीत ऋतु में प्रातःकाल व्यक्ति कितनी प्रतीक्षा से सूर्य की प्रतीक्षा करता है, सूर्य के प्रकाश की, सूर्य की उष्मा से, कि जिससे उसको शीतलता में सांत्वना मिलती। किंतु सूर्य जेठ के दोपहरी में, बस यूं कह सकते हैं कि राम अगर प्रातःकालीन सूर्य है, कार्तिक के सूर्य है, तो परशुराम जी जेठ मास के दोपहरी वाले सूर्य। इतना प्रकाश कि उसमें इतना ताप बढ़ गया कि आतंक और भय समाज में फैल गया और लोग उनको देख करके भयभीत होते हैं, आतंकित होते हैं, मानो यही। और उसका अभिप्राय क्या है, परशुराम जी के व्यक्तित्व में जो बात आ गई वो मानो हमें सावधान करने के लिए है। हमारे व्यक्तित्व में भी अगर ऐसी वृत्ति आवेगी तो ऐसी वृत्ति आने का परिणाम होगा
जो दुर्गुण है वो तो बुरा है ही, लेकिन दुर्गुणों के साथ साथ अगर सद्गुण का अभिमान भी व्यक्ति में उत्पन्न हो जाए तो वह ऐसा व्यक्ति जो है अभिमानी होकर के दूसरों को पीड़ित करने लगेगा, लोग उससे डरने लगेंगे, आतंकित होने लगेंगे। बस गोस्वामी जी संकेत ये करना चाहते थे जो गोस्वामी जी ने बताया। क्या शंकर जी का धनुष टूट गया और धनुष टूटने के बाद भगवान शंकर परशुराम आए, परशुराम के आते ही जितने राजा थे पितु समेत कहीं कहीं निज नामा लगे कंद सब दंड प्रणामा, परशुराम जी का भय और आतंक इतना व्याप्त था कि सभी परशुराम जी श्री परशुराम के चरणों में अपने अपने पिता का नाम लेकर के प्रणाम करने लगे। उस समय विश्वामित्र अब यही पर श्री राम और परशुराम आमने सामने दिखाई देते। विश्वामित्र मिले पुनि जाई और पद सरोज मेले जो भर। क्या विश्वामित्र जी पर श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के परशुराम जी के सामने जाते हैं और राम और श्री लक्ष्मण से कहते हैं कि आप लोग परशुराम जी के चरणों में प्रणाम कीजिए। श्री राम और श्री लक्ष्मण ने साष्टांग प्रणाम किया परशुराम जी के चरणों। दोनों रामों में अंतर दिखाई दे गया। हमारी मान्यता यह है कि परशुराम जी अपूर्ण है, श्री राम पूर्ण है, पर अंतर यही कि पूर्ण ने अपूर्ण को प्रणाम किया। उल्टी बात, अपूर्ण पूर्ण को प्रणाम करे कि पूर्ण अपूर्ण को प्रणाम करे, उसका अर्थ ये है। परशुराम जी ये मान करके बैठे हैं कि इसको सब प्रणाम करे वो बड़ा और वो प्रसन्न होते, और भगवान राम का बड़प्पन ये है कि वो सबको प्रणाम करके। अब दिखाई तो ये दिया कि सबके सबके ही समान श्री राम और लक्ष्मण ने भी प्रणाम किया, पर उसका सांकेतिक अर्थ क्या? एक व्यक्ति वो है जो अपने बड़प्पन से प्रसन्न होता है और दूसरा व्यक्ति वो है जो दूसरे को बड़प्पन देकर के प्रसन्न होता है। प्रणाम से प्रसन्न होना बड़प्पन पाके प्रसन्न होना है, और प्रणाम करके दूसरे को बड़प्पन देके प्रसन्न होना ये दूसरे प्रकार की प्रसन्नता है। श्री राम और श्री लक्ष्मण दोनों उनके चरणों में ही साष्टांग प्रणाम करके दोनों परशुराम के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते। उसके पश्चात पहले तो श्री राम के सौंदर्य और रूप का प्रभाव पड़ा। श्री राम के सौंदर्य को जिस समय श्री लक्ष्मण के रूप को जिस समय परशुराम जी ने देखा, ऐसी दशा हो गई कि राम ही चितई रहे थकी लोचन रूप अपार मार मद मोचन। श्री राम का सौंदर्य देखते ही आंखें थक सी गई और स्थिर दृष्टि से परशुराम जी श्री राम के सौंदर्य को देखने लगे। सौंदर्य को देखते देखते अगर सौंदर्य को देखने के बाद वो ध्यान करने लग जाते बस यही भूल हो गए। उस वाटिका में श्री सीता जी ने श्री राम को देखा तो नेत्र थक गए। ये थकने शब्द का हिंदी भाषा में जो प्रयोग किया जाता है, थकने का अभिप्राय यह है कि जैसे एक व्यक्ति चल रहा है और थक जाता है तो रुक जाता है, इसी प्रकार से आंखों की पुतलियां जब रुक जाए किसी को देखने के लिए तो उसके लिए हिंदी भाषा में शब्द बताया जाता है कि नेत्र के नेत्र की जो पलके थी या जो नेत्र के तारे थे वो थक गए। तो देखिए थकने के बाद क्या करना चाहिए, थकने के बाद थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए, आंखें बूंद करके। थका हुआ व्यक्ति आंखें बूंद लेता है। श्री सीता जी ने भी जब उस वाटिका में उन्होंने श्री राम को देखा तो श्री राम को देख करके गोस्वामी जी ने लिखा, थके नयन रघुपति छवि देखे पलकन हूं परिहरे निमे से। सीता जी की पलके थक गए, पर थकने के बाद सीता जी ने क्या किया, वही ध्यान का किवाड़ बंद कर लिया। लोचन मग रामंगूर आदि दीनों पलक कपाक से आदि। श्री सीता जी ने पहले श्री राम के सौंदर्य को सामने देखा, श्री राम के सौंदर्य को सामने देखने के पश्चात फिर कब उन्होंने नेत्र मार्ग से वो भगवान की सुंदरता को हृदय में ले आई और फिर नेत्र मूंद लिया।
परशुराम जी और सीता जी में अंतर क्या है? क्या बाहर दोनों ने श्री राम को देखा, दोनों श्री राम की सुंदरता से प्रभावित हुए, पर परशुराम जी ने बाहर जो देखा नेत्र तो थक गए पर उन्होंने आंखें मूंदी नहीं। बल्कि तुलसीदास जी ने लिखा क्या, श्री राम को देखते देखते अचानक उनका ध्यान चला गया है, अरे मैं किस काम से आया था। ये एक बड़ी समस्या है, कोई आप कथा सुन रहे हो अचानक ध्यान आ जाए कि अरे मैं तो इस काम को लेके चला था, ये कहां कहां आ गया। वो सोचने लगे ये मैं रूप के फेर में कहां से पड़ गया। तुलसीदास जी ने लिखा अचानक राम से दृष्टि हटी और राम से दृष्टि हटते ही उनकी दृष्टि चली गई धनुष के ऊपर, और धनुष जो था वो टुकड़े में पड़ा हुआ था, और टुकड़े में पड़े हुए वो स्वामी जी ने शब्द लिखा, देखे चाप खंड में ही डाले, देखा धनुष टूटा पड़ा। ये सांकेतिक भाषा क्या, ये खंड और अखंड, खंड माने जो टुकड़े में और अखंड माने जिसका टुकड़ा ना हो सके। तो संसार जो है वो तो खंड है और ईश्वर जो है अखंड है। तो श्री राम थे अखंड और धनुष था खंड। तो नियम यह है, ध्यान करने का अर्थ क्या हुआ, आंख खोल करके जब देखते हैं तो खंड दिखाई दे रहा, और नेत्र मूंद करके ध्यान करने का अभिप्राय है अखंड को देखना। तो खंड से ऊपर उठिए और अखंड में जाइए तो ये आनंद आवेगा। परशुराम जी ने उलट दिया, पहले अखंड को देखा और बाद में खंड के चक्कर में पड़ गए, और जब खंड के चक्कर में पड़ गए तो क्रोध आ गया, और क्रोध आ जाने के पश्चात फिर वो जनक से पूछते हैं कहूं जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। अरे मूर्ख जनक, ये बतला कि धनुष किसने तोड़ा। जनक तो डर के मारे उत्तर नहीं देते। पर अब पहले भगवान राम का रूप सामने आया, अब भगवान राम का की विनय, भगवान राम का शील, परशुराम जी के सारे वार्तालाप में भगवान राम का जो कितना विनय पूर्वक भगवान राम तुरंत कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा होई है होई एक दास तुम्हारा आंसू काह कहिए कि मोही। महाराज शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा। बड़े बिगड़े, बोले तो दास की नई परिभाषा निकल है, स्वामी की वस्तु तोड़ दे और कहे कि मैं दास। पर श्री राम अपने विनम्रता में जो के तो आगे चल करके परशुराम जी नहीं समझ पाए कि धनुष तोड़ने वाले ये, क्यों उनके मन में धनुष तोड़ने वाले की दो ही कल्पना थी। एक तो कल्पना थी कि धनुष तोड़ने वाला जो होगा वो अकड़ करके खड़ा होगा, तो श्री राम तो बिल्कुल शांत खड़े थे, तो उनको देख करके तो उन्होंने सोचा ही नहीं कि इन्होंने तोड़ा होगा। बस श्री राम को देख करके कोई परशुराम जी पर प्रभाव नहीं पड़ा कि धनुष तोड़ने वाला किशोर जो है वो यही। चारों ओर देखने लगे तो किसी का सीना फूला हुआ नहीं। फिर परशुराम जी को मन ही मन से, अच्छा अच्छा मेरे आने के पहले भले ही सीना फूला हुआ हो पर मेरे आने के बाद तोड़ने वाला कांप रहा होगा, देखे कौन कांप रहा। तो इतने सभा में कांपने वाले थे, जो राजा था उधर के मारे कांपी है, तो समझ में नहीं आता कि तोड़ने वाला कौन। पर जो तोड़ने वाला था न कांप रहा था और न तो कहो सीना फुलाए खड़ा। भगवान राम तो यही कहते महाराज यही श्री राम का विनय भी है इसमें शील भी है, पहले रूप फिर विनय और फिर भगवान राम का शील। भगवान राम कहते हैं महाराज जब धनुष था तो तोड़ने वाले की आवश्यकता थी, धनुष टूटा तो तोड़ने वाला चला गया, अब तो आप जैसे संत का आगमन हुआ है, अब तो सेवक की आवश्यकता है, अब तोड़ने वाले का चक्कर का। बहुत बढ़िया बात, ये श्री राम के चरित्र का ये उज्ज्वल जो पक्ष है, जो कार्य जितने देर के लिए करना है उसे स्वीकार कर ले, पर उसके कर्तृत्व से परशुराम जी मैंने ये किया है ये नहीं भूल पाते। बार बार यही सुनाते रहते हैं, जब लक्ष्मण पर बिगड़े तो विश्वामित्र से कहा कि अगर ये लड़का मुझे नहीं जानता तो तुम तो सुनाओ कि मैं कौन, मेरा इतिहास इस लड़के को सुना लो। तो लक्ष्मण जी तो वेद की भाषा बोलने में बड़े निपुण थे, उन्होंने कह दिया अपने रूप तुम्हें अपन करनी,
आपने तो अपने मुंह से बहुत सुना दिया, बाकी हो और भी सुना दीजिए। उसका अभिप्राय क्या? परशुराम जी अपने कर्तृत्व के को लादे हुए, याद रखिए, रात भर आप पलंग पर सोइए, पर दिन होने के बाद अगर उसको सिर पर लाद करके ढोने लगिए तो ये बुद्धिमत्ता का लक्षण है। आप कोई बढ़िया काम करें और बढ़िया काम करने के बाद उसी को सिर पर लादे रहे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा कर डाला, परशुराम जी की समस्या यही है। मैंने कहते हैं, मैंने जानते हो क्या किया है, मैंने 23 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया है, मैंने विवाह नहीं किया है, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैंने राज्य नहीं लिया, मैंने संपत्ति नहीं लिया। और श्री राम ने शंकर जी के प्रख्यात धनुष को तोड़ दिया है, पर तोड़ देने के पश्चात भी श्री राम ये कहते हैं कि महाराज तोड़ने वाला आप कहां है, वो तो आपका कोई सेवक रहा होगा, अब आप आज्ञा दीजिए मैं क्या सेवा करूं। श्री राम इसी विनम्र भाषा में आप देखते हैं परशुराम जी की पराजय कहां होती है, और पराजय भी इसको नहीं कहते, तब एक संकेत है बड़े महत्व का। पराजय में तो दूसरे को हराने की वृत्ति है, पर श्री राम की विलक्षणता क्या है, शील की पराकाष्ठा क्या है। परशुराम जी ने श्री राम से कहा कि तुम मुझसे शस्त्र उठाओ और लड़ो। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि धनुष तोड़ने वाले श्री राम है, विशेष रूप से लक्ष्मण जी के संकेत करने पर, तो उन्होंने यही कहा तुम मुझसे लड़ो। श्री राम ने पूछा महाराज अगर मैं लड़ना न चाहूं तो कोई उपाय है क्या, तो उन्होंने कहा है क्या, कर्म परितोष मोर संग्रामा नाही तिछाण कहाऊ बरामा। अच्छा एक उपाय है, ये राम नाम जो तुमने रख लिया बस इसी को छोड़ दो, राम एक ही रहेगा, मैं रहूंगा तुम नहीं हो। अंतर ये एक राम श्री राम है जो सबको राम बनाना चाहते हैं, रावण को भी जब रावण का सिर काट करके रावण का तेज अपने में विलीन कर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड को रावण कुंभकर्ण को भी राम श्री राम ने अपने रूप में विलीन कर लिया। और एक परशुराम जी में अहम आ गया है क्या कि मुझे छोड़ करके और दूसरा कोई राम न होने पाए। जब उन्होंने कहा कि लड़ो तो भगवान राम ने पूछा महाराज लड़ने के बाद क्या हो, उन्हें एक हारेगा जीतेगा। भगवान राम उत्तर देते हैं सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे, हम ही तुम ही सर्वरि कस नाथा, कहूं कहा चरण पहना था। और नाम का अगर झगड़ा हो तो राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। मेरा तो छोटा सा राम नाम, नाम तो आपका ही बड़ा है, आप तो परशुराम। परिणाम क्या हुआ, कौन हारा और कौन जीता, श्री राम ने शस्त्र नहीं उठाया, श्री राम का स्वरूप, राम का शील, राम के की विनय, अंत तक परशुराम जी बदलते रहे। परशुराम जी पहले श्री राम पर प्रसन्न थे, लक्ष्मण पर रुष्ट थे, पर बाद में उनको लगने लगा कि दोनों भाई मिले हुए, और इसलिए बिगड़ करके बोले अब मैं समझ पाया कि ये तुम्हारे संकेत पर कड़वी वाणी बोलता है और तुम मीठी वाणी बोलते हो, दोनों भाई पक्के नीति जो क्या तुम जो है ये बंधु का ही कट संबत तोड़े, तू छल विनय कलश कर जोड़े। परिणाम अंतिम परिणति क्या होती, अंतिम परिणति यही होती है कि जिस समय परशुराम जी को लगा इतना निर्भय होते हुए भी इतनी विनम्रता, इतना शील, इतना सौम्य स्वभाव, ये कौन हो सकता है। और तब वो कहते हैं श्री राम से कि राम रमापति कर धन लेहु खेचहु चाप मिटर संदेह, मेरे पास विष्णु भगवान का धनुष है, उसको खींच करके चढ़ा दीजिए, मैं समझ लूंगा कि नया अवतार हो गया। श्री राम ने फिर भी धनुष को लेकर के खींचा नहीं, अपितु धनुष जो था वो स्वयं परशुराम जी का हाथ छोड़ करके श्री राम के हाथ में चला गया। धनुष से परशुराम जी ने पूछा इतने दिन मैंने तुम्हें ढोया और तुम भाग खड़े हुए, उन्होंने तो तुम्हें लेने के लिए हाथ भी नहीं बढ़ाया और न बढ़ाने के बाद भी तुम चले गए। धनुष ने कहा महाराज आपने ढोया ढोया, मेरा सदुपयोग कहा किया, सदुपयोग तो इन्हीं के पास होगा, इसी धनुष से बाद में भगवान राम ने रावण का वध किया, इसलिए महाराज जहां मेरा सदुपयोग हो। और बोले महाराज संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं
कि दूसरों को खींचने की चेष्टा करते, पर हमारे प्रभु श्री राम का शील ऐसा है कि बिना खींचे ही खींचा चला जाता है व्यक्ति। इसलिए इतना आपके पास शील का अभाव है और यहां पर शील है, इसीलिए अब आपको छोड़ करके मैं जा रहा हूं। और इतना ही नहीं, धनुष में कह दिया महाराज देख लीजिए, एक धनुष अकड़ा तो टूटा पड़ा, इसलिए मैं वही भूल नहीं करूंगा कि अकड़ करके टूटू तभी मानू। बस जब जिस समय श्री राम के हाथ में धनुष गया और उसके पश्चात भी हाथ जोड़े श्री राम सामने खड़े हैं, परशुराम जी गदगद हो जाते हैं। श्री राम की विजय माने शस्त्र की जीत नहीं, वो श्री राम की स्तुति करते हैं और स्तुति करते हुए कहते हैं बड़ी नई बात हुई। शस्त्र के द्वारा तो बहुत से लोग लड़ाई लड़के जीत लेते हैं, पर तुम तो धन्य हो, विनय शील कमला गुण सागर जय के वचन रचना अति नागर, आप वचन रचना में बड़े निपुण है, विनय कमला शील के समुद्र है। परिणाम क्या होता है? परशुराम का हृदय परिवर्तित होता है रूप से, शील से, गुण से। और उसका अभिप्राय है कि परशुराम प्रसंग ये बताने के लिए है कि इतने महानतम क्रोधी होते हुए भी जब भगवान राम के शील और विनय और गुण से परिवर्तन आता है, तो अगर हम भगवान के स्वभाव का चिंतन करें, शील का, विनय का और उनकी करुणा का, तो हमारे हृदय में भी परिवर्तन होगा। इसलिए ये जो रसमय ध्यान है वही शंकर जी कर रहे हैं। इसके बाद